बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। लाहौर से ये रेगुलरली मैसेजेस कर रहे हैं ये लोग, और गोट फार्मिंग इनका सिलसिला इन्होंने शुरू किया, ख़ास तौर पे जानवरों को फरबा करने का। और उस सिलसिले में मैंने खासा इनका क्वेश्चंस के जवाब भी दिए हैं, लेकिन आज जो ये पूछ रहे हैं वो देखते हैं क्या है सवाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वाईक साहब, साहब रहमतुल्लाह मैं बरकातहू। हामिदुल्ला बात कर रहा हूँ जी लाहौर से। आपको पता है लाहौर लाहौर है। अच्छा जनाब, पूछना ये था कि हमने जो है वो कुछ बच्चे लिए हैं, डेढ़ डेढ़ महीने के, पाँच चार पाँच बच्चे हैं, ठीक उनको हम पालना चाहते हैं बचपन से बड़े होने तक। अभी साल है बकरा ईद का, तो इंशाल्लाह हम उसको कुर्बा करके बकरा ईद पे सेल करेंगे, ईद का अपने लिए कुर्बानी भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तो इंशाल्लाह। आपसे पूछना था कि बच्चों को हम अब कौन सा वंडा इस्तेमाल करें जो बचपन से उनके बकरा ईद तक उनको खूब कुर्बा कर दे, दो मन का कर दे एक साल में। कोई ठीक ऐसा फार्मूला दें, आपके जितने वंडे हैं वो उसमें मेजर बकरों का फार्मूला जो है उसमें राइस पॉलिश इस्तेमाल हुई है। तो ठीक मैंने पूछा ये था कि मार्केट में राइस पॉलिश कब सस्ती होती है, ताकि हम उसको लेके बाकी चीज़ों के साथ बना के वंडा इस्तेमाल करें। या कोई ऐसा वंडा है जो हम बच्चों को शुरू कराएं, फिर उसमें चेंजेस करके बड़ों को ले आए, बड़ी मेहरबानी आपकी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका अजर खैर दे, जो आप लोगों के मसाइल हल करते हैं फी सबीलिल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जान हमीदुल्ला साहब, छोटे बच्चों का और आपका ख़ास तौर पे आपका प्रॉब्लम को सामने रखते हुए नया एक फार्मूला दे रहा हूँ। ये छोटे बच्चों से स्टार्ट कर लेना है, भेड़ बकरियों के हों, दोनों भेड़ के या बकरियों के छोटे बच्चे, उनको आप स्पेशल इसका एक बैलेंस्ड डाइट दे रहा हूँ, और आपको बचा भी रहा हूँ कि मेज ग्लूटन और राइस पॉलिश और ये जो शीरा राब, इन सब चीज़ों से बचा के ऐसा बेहतरीन एक फार्मूला दे रहा हूँ जो बैलेंस्ड होगा। और इंशाल्लाह ताला इनको शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके खिलाते खिलाते बड़ा कर दें, और जितने मन आप चाह रहे हैं इतने इंशाल्लाह ताला ये हो जाएंगे। मेरी जान इस तरह करें, 100 kg का बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप जितना बनाना चाहें बना लें। मकई 20 किलो लें, काले चने 32 किलो, चौकर गंदम ले लें 30 किलो, और खल बिनोला लें, ये लेकिन ये बगैर छिलके की, इसको कहते हैं कॉटन सीड मील। ये बगैर छिलके के बिनोला खल जो है ये आप ले लें 15 किलो, और मिनरल मिक्सचर इसमें 2.5 किलो, 2.5 kg, और नमक इसमें डाल लें 0.5 kg, यानी आधा kg, 500 ग्राम। ठीक है, ये 100 kg का मैंने दे दिया। ये बनाएं और लाहौर लाहौर ही है, और खिलाएं और कहें कि जी दुआओं में याद रखें, और बच्चे बच्चे भी तो खैर वो तो देंगे ही देंगे दुआएं, आप भी दुआओं में याद रखें, और पूरे लाहौर को सलाम फी माल्ला। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, इस हदीस मुबारक पर। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशादे ग्रामी है, बला की मुशक्कत, बदबख्ती, बुरे फैसले और दुश्मन की खुशी से अल्लाह की पनाह पकड़ो। बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ। फीमान अल्लाह।